इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑनरेबल एमएलए कुंसी सी डी सो जी एंड मैडम मार्गरेटा सी डी सो मैडम जी और रेस्पेक्टेड एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर त्रिजिनो एंड रेस्पेक्टेड सर्कल ऑफिसर त्रिजिनो जो है सो छोटे से थे हमारे मेरे सर के लिए आए करबो की तरफ से इंडिविजुअल ये एमएलए साहब ये प्यार दे रहा है अतुल तासुसो ये तरफ से जो फुआ एमएलए साहब ये लामागो सागरो ये तरफ से ये फैमिली तरफ से आज कुछ से ये ऑनरेबल एमएलए ये फुआ गिफ्ट में श्री सिद्धिर सागरिया जेपीसी करंगनिया जेपीसी का तरफ से हमारे एमएलए सर को न्यू ईयर गिफ्ट है जेपी सागरिया की फैमिली तरफ से भी एमएलए साहब को हुआ गिफ्ट में ग्लूम जो इस तरफ से भी हुआ में तो ये नहीं आ पाया है थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब है एक्चुअली प्रिजर्वेशन सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम था तो हेल्थ इशू के कारण से नहीं आ पाया है श्रीमती हेमा देलुसो आज अपनी फैमिली की तरफ से एमएलए साहब भी छोटा सा गिफ्ट हुआ जीपीसी दर्जी आगे आगे दीदी से किरण देलुसो किरण डेलिसो ई फैमिली से ई फैमिली का तरफ से एमएलए साहब ही हुआ गिफ्ट स्पेशल है ई फूड बोले श्रीमती अभिनय डेलिसो जीपीएम पराफरे ई तरफ से जो हुआ गिफ्ट में डेलिसो गिफ्ट की तरफ से भी ये फैमिली की तरफ से एमएलए साहब की फैमिली को एक छोटा सा गिफ्ट न्यू ईयर गिफ्ट हुआ में खुदा बोला करामो करंगनिया पलातारी ये तो बहुत ज़्यादा खुश है कि ये ऑनरेबल एमएलए जिस तरह से ये जो एक डेवलपमेंट जो दिया है उसको लेकर ये बहुत खुश है और उसका चलते ही जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जो हम सबको जो एमएलए साहब ने दिया ये सीधा बोला इसका बहुत गर्व है और ये जो
सदा बोला को जो प्रॉपर्टी दिया ये सदा बोला को नहीं बल्कि अका समाज को दिया। साथ ही साथ सिक्स ट्रिजनो ब्रो असेंबली कॉन्सेंसी को दिया, साथ ही साथ अरुणाचल को दिया। डेवलपमेंट किसे कहता है? डेवलपमेंट इसे कहता है। इसलिए मैं ये मन से दिल से तीनों बस्ती का ओर से एमएलए को दिल से धन्यवाद देना चाहेगा। जब से भी एमएलए साहब 2009 से एमएलए का पद संभाला है तो उन्होंने क्षेत्र को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। तो दर्जनों के पलातानी जो आप अपनाए हुए हैं तो उसके लिए भी एमएलए साहब को तरफ से तय दिन से धन्यवाद देता हूँ कि एक समय यार कुछ प्रकाश ने बताया कि एक समय ये त्रिजनों से यहाँ 10 किलो चावल लेके आना इतना प्रॉब्लम होता था, लेकिन जैसे आदमी एमएलए साहब एमएलए पद लेने पद संभालने के बाद ये यहाँ चावल राशन पानी सब कुछ सुविधा कर दिया। हम लोग का शिदा बोला को इतना सुंदर से डेवलप किया, ये जो सपना भी नहीं था कि हम लोग का शिदा बोला में एक ऐसे इंटरव्यू एरिया में रास्ता पहुंचेगा, इतना हर एक चीज अवेलेबल डेवलप हो जाएगा, बल्कि सोचा नहीं था। लेकिन लकीली उसको भगवान ने समाज के लिए काम करो बोल के इसलिए भेजा है, इसलिए कर अपना फर्ज को निभा रहा है, उसके लिए ये थैंक्स गिविंग प्रोग्राम रखा है। 2009 से मेरा कुंसी साहब का साथ में जुड़ा और फर्स्ट टाइम हम लोग पलातारी नील बिखर के दिखाया, उसके बाद हर बार आपको साथ दिया, आज तक यहां पहुंचा है। सिर्फ आज अकेला क्यों, हम लोग ने भी तो आपको शुक्रिया अदा किया है, तीन बार जिताए वो शुक्रिया अदा तो करते आया है, और आपने भी वही काम किया जो हम लोग एक्सपेक्ट करता था। आपने हम लोग का यहाँ सड़क नहीं था, आपने सड़क बनाया, आज फिर यहाँ से फिर यहाँ पलातारी तो सुगु फिर ज्वाइन होने वाला है। ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सिद्धार्थ बोला जो हमेशा एग्जांपल बनते जा रहा है अच्छा चीज में, फेस्टिवल में भी आज जो एकदम यूनिटी होकर आता है और आका एरिया में डेवलपमेंट करने से आपने बहुत जगह दिया है, लेकिन जो पहला है जो थैंक्स गिविंग दे रहा है सही में भी हम लोग का यहाँ एप्रिशिएट बहुत कम होता है, एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जो जो एग्जाम्पल बन रहा है अभी हम भी सीख रहे हैं, जो से थैंक्स गिविंग होना चाहिए, हम लोग का एरिया में बहुत डेवलप दिया लेकिन हम लोग का भी थैंक्स गिविंग नहीं दिया, तो इसीलिए जो शुरुआत करने के लिए जो को ना थैंक यू बोलते हैं। आज यहाँ मेरा पहुंचने का और मेरा साथ में जितने पंचायत लीडर्स है और आका सोसाइटी के जितने लीडर्स है और जितने भी लीडर्स है उन सभी लोगों ने जो यहाँ विटनेस के रूप में साथ में आया है, तो उसमें खास करके हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी ने RIDF से पलातारी सुबु को इस बार 12 करोड़ उन्होंने सेंक्शन करके दिया है, उसको जो है टेंडर होने के बाद यहाँ का शिदा बोला का जितना भी जो तीन बस्तियाँ हैं यहाँ लगभग संख्या जो है 550 लोग है, तो उन लोगों ने बोला कि अगर ये रोड जो है गवर्नमेंट की तरफ से अगर फुली सेंक्शन के साथ में टेंडर करके दे दिया तो इन लोगों ने हमारा साथ समर्थन और समर्थन देने का उन्होंने वादा किया था। उसके लिए यही चीज़ जो है सेंक्शन भी हो गया, टेंडर भी हो गया, होने के बाद उन लोगों ने हमें बुलाया, ऐसे यहाँ का लोकल विधायक होने के नाते मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मैं आज पहुँचा, आज पहुँचने के बाद उन लोगों ने भी पूरा तीन बस्ती पूरा रिस्पॉन्स लेके समर्थन देने का उन लोगों ने भी सीधा वाचन कर दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ सीधा बोला का जो टीम है जो यहाँ का जो हमारा चेयरमैन जो है चेयरमैन साहब जो है हमारा रामदा गिदुसो है और सेक्रेटरी जो है रिंतु देलुसो है, उन लोगों के साथ में जितने भी जो टीम्स है और यहाँ सीधा बोला वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट जो गिदु देलुसो है
है और जीएस जो है ग्लो सग्रो है, उन लोगों का जितना टीम से यहाँ का जितने यूथ से यहाँ का जो ओमेन से उन लोगों ने भी ये आश्वासन दिया कि इस पर हमको जो रोड बना देने का कारण से उन लोगों ने भी थैंक्स गिविंग दिया है। थैंक्स गिविंग के साथ में ये आने वाला जो इनकमिंग इलेक्शन है इन तीन बस्तियाँ भी समर्थन देने का और हमें पूरा फुल्ली 100% आश्वासन दिया है। इसके लिए हम सीधा बोला जो वेलफेयर सोसाइटी है उन लोगों को मैं तय दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। हम लोग का थैंक्स गिविंग मास कम इंटरेक्शन जो प्रोग्राम रहा है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी हमारा सीधा बोला से काफ़ी पब्लिक गैदर हुआ है और हमारा पब्लिक का जो डिमांड्स जो MLA साहब को था वो MLA साहब ने किया है, जितना पब्लिक का जो डिमांड था पूरा किया है और आने वाला के लिए भी MLA साहब ये एश्योरेंस करके गया है कि जो भी सीधा बोला का यहाँ का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होगा वो पूरा करेगा, ये एश्योरेंस देके गया है। अरुण भूमि थैंक यू, आज का हमारा प्रोग्राम रहा थैंक्स गिविंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम। आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा तीन बस्ती सीधा बोला का बीच एक MLA साहब ने जो रोड दिया तो उसको लेके हमारा बस्ती वाला इतना खुश हुआ, तो ये खुश के साथ MLA साहब को हम लोग ने बुलाया, हम लोग का तीन बस्ती वाला लोग पब्लिक ने बुला के आज MLA साहब को थैंक यू देने के लिए यहाँ बस्ती में बुलाया। MLA साहब का काफ़ी कीमती समय को भी छोड़ के हमारा बीच रहा आया तो उसके लिए MLA साहब को तहे दिल से थैंक यू देना चाहेगा। और ख़ास करके ये जो डेवलपमेंट है ना, ये डेवलपमेंट को देख के हमारा तीन बस्ती का लोग आज निर्णय लिया, पॉलिटिक्स में हो या कुछ में हो 100% MLA साहब को देगा बोल के निर्णय लिया, थैंक यू। आज का प्रोग्राम है 13 में, ये मेरा MLA साहब जो हम लोग को ये सिबुत पालथारी जो रूट को ला दिया, इसलिए मेरा अस्तबला का पब्लिक जो पूरा इसका साथ बहुत दिल से इसको स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है इसको।